ये है टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। इस बीएड की पढ़ाई के कोर्स के लिए सभी लोग टीचर बनने के सपने को लेकर उसे हकीकत में बदलने के लिए यहाँ आते हैं। इन पढ़ाई करने वाले लोगों के बीच में आपस में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे से लेन देन रखना, ये सब जरूरी होता है और कुछ ही महीने में जन्मों जन्मों का रिश्ता जैसा गहरा संबंध बन जाता है। अगर अकेलापन महसूस हुआ तो एक दूसरे की सहायता की वजह से हर पल उत्साहित हो जाता है, उत्साह से भर जाता है। खुश हो जाना और सभी दुख दर्द को भूल के स्नेह, प्यार, भाईचारा और एक दूसरे का दुख सुख बांटकर एक साथ रहते हैं। इन लोगों के बीच में प्यार का फूल खिल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे इस बीएड ट्रेनिंग में भी एक प्यार की कहानी है हम सब के बीच। लीजिए, आप देख लीजिए अपनी नजर से। हमारे प्यारे भविष्य के अध्यापक जन के लोग, मेरा नाम है रम्या पारी। आपके टाइम टेबल में जो केआरडी करके है, मैं वही हूँ। अब बारी बारी सभी लोग अपना परिचय दीजिए। मैं धवन हूँ सर। क्या देवानंद है क्या तुम्हारा नाम? हाँ सर। धवन नंद शब्द के तत्व का मतलब जानते हो? उसे जीवन बोलते हैं सर। हाँ, वही मेले में पालकी रथ में फल फूल सजा के जीवन बोलते है ना, वही जीवन है ना। कौन सा गांव है? तलाकाल। ओ, कंगार की राजधानी है। मैं अंदर आ रहा हूँ जूनियर रविचंद्रन सर। सोमवार के दिन 24 तारीख को आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम इंतजाम किया गया है जिसमें आप सभी को भाग लेना चाहिए। आज विश्व में हुनर संयम का दिन है, जानते हो ना? हाँ, yes, sir. Yes, sir. यारे विद्यार्थी लोग, आप जिस कला को जानते हो उस कला विद्या को कैसे बाहर लेकर आना चाहिए उसे अच्छी तरह से बताता हूँ। आप लोगों के अंदर जो कला है उसको बाहर निकालने के लिए, उसके लिए ही ये प्रोग्राम है। जो अलग अलग जगह से आए हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, आइए और दिखाइए। ऑल द बेस्ट। फिल्मों में गानों को कोई भी नहीं गा पाएगा। वेद गीता, भक्ति गीता, भागवत गीता, ये सब गाना चाहिए, ठीक है ना? भरत का जो आंसू है उसे देखकर तुम्हें भी आ जाएगा। ए शिबू, 2 मिनट के लिए बैठ देना। किसके लिए? वो परफॉर्म करने के लिए। परफॉर्मेंस के लिए? थैंक यू। ओके। हमारे एक्टिंग के सम्राट राजकुमार जी और उनके पराक्रम एक्टिंग और दिल बहलाने वाले एक्टिंग को मैं बचपन से ही देख कर बड़ा हुआ हूँ। सिनेमा के नाम को बोलकर कन्नड़ के हीरो को ही हम लोगों ने नकार दिया। वैसे कन्नड़ भाषा का अपमान हमने ही किया। भक्त प्रहलाद के नाम पर बनी एक मूवी का किरदार मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। क्या कोई मेरा मुकाबला करने वाला? यहाँ कोई वीर पराक्रमी मेरे सामने खड़ा होकर मेरा मुकाबला करेगा क्या? तो मेरे सामने आए। ए हरी, तुम जहां कहीं भी हो मेरा मुकाबला करो। ए हरी। हे हरी, तुम अनादि हो, सर्वनाशी हो। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जाओ ना, बिंदास करो। ए
हंसो मत, चुप रहो, करने दो से। तुम अच्छे से गाओ। हाँ हाँ गाओ। सर मुझसे नहीं होगा। बहुत बढ़िया। आप सभी लड़के बहुत ही होनहार हैं और आप सब में बहुत टैलेंट है। आप लोग पढ़ाई कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। अब मैं हमारे संस्थापक के अध्यक्ष श्री हरीश जी का स्वागत करता हूँ। भविष्य में अध्यापक जन के लोग आप लोग ही पहला बैच है। वैसे ही हमारे प्रिंसिपल साहब भी इस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी साधना की है। हमारे संस्थापक के साथ ही यहाँ उपस्थित माँ बाप समान लोगों का सुख स्वागतम और अभिनंदन करता हूँ। चलो। डियर ट्रेनीज, किसी और कॉलेज में होने जैसा यूनिफॉर्म सिस्टम जैसा हमारे कॉलेज में नहीं है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। डिसेंटली लगने वाले ड्रेस को पहना कीजिए। आप लोगों में कोई विद्यार्थी नहीं है। क्या? ये क्या है? आप लोग टीचर ट्रेनिंग में है, इस बात को मत भूलिएगा, ध्यान में रखिएगा। हाय। हाय। आप अच्छा पढ़ाते हो। मैं भी लर्नर हूँ, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप बहुत अच्छे एक्टर हो, मल्टी टैलेंटेड हो आप तो। ओह थैंक यू। चलती हूँ। हे हिरण्यकश्यपु, हाय पूजा। यार रोज गांव से अप डाउन करना मुश्किल हो रहा है, प्रिपरेशन के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। मित्रों हम तीनों मिलकर एक भाड़े पर घर लेते हैं, तुम तीनों भी साथ में आ जाओ, क्या बोलते हो? अरे बात को तुम आधे में क्यों काट रहे हो? बड़े घर में छोटा घर है ऐसा बोलो। अरे नाम है मीनाक्षी, 3 years लव बट नाउ डिस्कनेक्टेड। ये हमेशा से ही ऐसा ही है और उसकी फोटो को हमेशा यूं देखता ही रहता है। यार कौन कैसे? आहा पता नहीं ऐसी कौन सी सुंदर लड़की है कि उसके सर पर हमेशा बैठे ही रहते हो। बच्चों बुधवार से तुम सबका टीचर प्रैक्टिस शुरू है, जानते हो ना? फर्स्ट टीम इज अशोका हाई स्कूल, शिव, मुतम्मा, रायना, यस सर, लक्ष्मी एंड टीम लीडर इज शुभु। थैंक यू। द सेकंड वन इज श्री कंठेश्वरा अखंड स्कूल, धवन, परिजादा, योगेश, पुष्पा। द टीम लीडर इज फल्लू जमुना। थैंक यू। अरे धवन कांग्रेस। थ्री पीरियड हो गया ना? हाँ। फर्स्ट शेयर इतना काफी है ना? सर। कल से मैं फुल क्लास देता हूँ, पार्ट को अच्छे से सिखाना, दूसरे लोग को भी बोल देना, ठीक है? ओके सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके। डेली हमारा सेकंड पीरियड का क्लास है, सो टुडे सेकंड पीरियड इज इन 26 9th maths and 3rd period is 9th Kannada. मैं 9th maths ले लेता हूँ। I'll take it. पर मुझे तो observation नहीं आता है। 3rd period तक मैं prepare कर लूँ, please? First day, it's okay. Observation के लिए lecture कौन आता है? उसे देखता हूँ। Okay, okay. All the best. Okay, thank okay. you. तुम चलोगे क्या? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बैठ जाइए बैठ जाइए।
कोने में रहने वाले मोती का घर, हाँ नहीं, कोने में रहने वाला मोती का घर, कोने में कौन से लेसन की प्रिपरेशन कर रही हो? सुबह की किरण। ओह, बेंद्रे की, नाइस पोएम, गुड सिलेक्शन। बट कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है क्या, इधर दो। पंख को उड़ा के हवा में उड़कर चिड़िया की तरह गाओ, उड़ के चिड़िया के जैसे गाओ। अरे बाप रे, ये बच्चे लोग बहुत मस्ती करते हैं। बगल के क्लास के टीचर ने आकर थोड़ा मारा, तभी ठीक हुए। अरे कंट्रोल नहीं किया तो मुश्किल है। अभी तो बैल बच गया ना, तुम्हारा ही नंबर। डर लग रहा है, कल करो क्या प्लीज? कल भी तुम हिम्मत से पढ़ाओगे, इसकी क्या गारंटी है? ऑब्जर्वेशन के लिए लेक्चरर्स नहीं आए, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरियो मत। चलो sir, we are doing our best sir, aap worry mat karo, don't worry at all sir, we will do it sir, thank you, okay, thank you sir, namaste sir, namaste sir, aaj class kiska hai? Are baap re, principal sir, meri hai sir, ninth color, okay, carry on, aranyakad mein jang, jang ka elan bahut bhayankar tarike se kiya, logo ko bulaya gaya aur yuddh hua wahan par, युद्ध के अंदर वीरों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई, अपना अपना पराक्रम दिखाया। अपने विराजमान का प्रदर्शन कविता लेखक की दुनिया में जो प्रस्तुत है, महाकवि कन्ना ने जो लिखा है खदा युद्धम नाम की कविता में। इसे तो मानना पड़ेगा, आपको देख के खुशी होती है। वो किस लिए? लैंग्वेज टीचर के पास होने वाले सारे गुण आप में हैं। आपको मेरे ऊपर बहुत विश्वास है, सिर्फ इसलिए ऐसा लग रहा है। कल के दिन आप भी बहुत बड़ी टीचर बनोगी। कल का लेसन प्रिपेयर है ना? पढ़ लूंगी, लेकिन डर है। मेरे सामने रिहर्सल करो, अपना डर गायब करके। ठीक है। दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे। आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। हमारा गांव मांड्या है, हमारा एक होलसेल का व्यापार है। मेरे घर में मेरी बहन, मेरे पापा और मेरी माँ, हम चार ही लोग हैं। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मेरी मम्मी के पास ही हम अपना दुख सुख सब कुछ करते हैं। और मैं यहीं पास में हर्षिता वुमेन्स हॉस्टल में रह रही हूँ। और आप? हम तो फूल बेच कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ। मेरी एसएससी की पढ़ाई के दौरान मेरी माँ बीपी की वजह से चल बसी। घर में एक औरत का होना जरूरी है, इसलिए पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। लेकिन अभी मेरी बहन भी है। लास्ट ईयर दीपावली में पटाखे फोड़ते वक्त उसकी दोनों आंखें चली गई। जितने भी अस्पताल थे हम सब में घूमे, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी नहीं आई। सॉरी, आपको कैसे तसल्ली हौसला दो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। रहने दीजिए, छोड़िए। थैंक यू। अरे वो धोखा देने वाली लड़की की फोटो को लेकर चुम्मा दे रहा है। वो भी सुबह सुबह। सूरी, सच्चे प्रेमी ऐसे ही होते हैं। उनकी थोड़ी सी याद दिल में लेकर ना
पूरी जिंदगी उनकी यादों के साथ गुजार देते हैं। अरे गोपाल, अब मुझे यहाँ से कहीं दूर लेकर चले यार, इस घर में तो सिर्फ प्रेम के पुजारी ही हैं। आजकल तू कुछ ज्यादा ही डरपक हो गया यार। आत्माजी सटक ली। देखो बच्चों, जैसे क्रिया वैसे प्रक्रिया, ये न्यूटन का सिद्ध किया नियम है। वेरी गुड बच्चों, साइलेंस। अंबुजा, गुड लेसन। थैंक यू मैम। और लोकेश, हाँ, बच्चे लोगों को और भी ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, ध्यान दो तभी मैथ्स को अच्छे सीखेंगे। मेरा दूसरा पीरियड है, मैं क्लास में जाती हूँ। यू कैरी ऑन। मजा आ रहा है यार, ये पुराने साल से नए साल में एंट्री का जो मजा है ना, वो बहुत कमाल है। अरे ये क्या है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके शिवा का नाम लेकर पी लो। यार ये सब कुछ मुझे जमता नहीं। अरे फायर कैंप में क्या करोगे, अरे पी लो यार। सॉरी यार, सॉरी, लेना। तू भी क्या तकलीफ दे रहा है यार। क्या कर गया रहा है? चल। अबे, 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 Thank you.
काफी ओके। अरे यार पहले ही 12 बज चुके हैं यार। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर यार, ये कैसा लग रहा है। को विश करने के लिए मेरा दिल अंदर से तड़प रहा था। अरे बाप रे, मुझे भी ऐसा लगा। क्यों इतना तड़पने का? सुबह होने तक का जरा बर्दाश्त कर लो, ऐसा बोल के संभाल लिया। इस न्यू ईयर में आपके लिए स्पेशल गिफ्ट। हाँ? कुछ भी जम नहीं रहा है। तुमने जैसे मना किया ना, मैंने पीना छोड़ दिया। अरे मुझे तो कुछ भी नहीं पता चलता, कंटिन्यू कर लेते ना। नहीं नहीं, मैं कोई रेगुलर वाला नहीं हूँ। ऐसा है, फिर तकलीफ होगा, क्या करोगे? ड्रिंक सेलिब्रेशन के वक्त पी लेना मेरी पॉलिसी है। बोला जाए तो दुख में पीना ही नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारे दिल के पास रहते हैं ना, उनके साथ पीने से मन में जितना भी दुख होता है एकदम खत्म हो जाता है। हमारी तरफ से आपके लिए स्मॉल गिफ्ट दो ना। थैंक यू। मेरे अंदर जो भी था, डर, संकोच, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। बट टीचर का ट्रेनिंग पीरियड पता नहीं क्यों इतना जल्दी खत्म हो गया। एक महीना कैसे हो गया पता ही नहीं चला। कल कॉलेज सुबह उठकर साथ जाएंगे। सुबह तुम जल्दी आ जाओ। जस्ट 1 किलोमीटर। बाय बाय। क्या बात है साहब, बहुत खुश नजर आ रहे हो। पता है क्या हुआ, कल पूरी रात दोस्तों के साथ बैठ के प्रेम पे विवाद चलता रहा। ऐसा है क्या? मंडी में जैसे लोग गोनी उठा उठा कर रखते हैं ना, ठीक वैसे ही सभी लवर्स की तारीफ करते हैं। शुरू शुरू में लव चांद जैसा है, और अगर एक बार धोखा मिला ना, समझो कहानी खत्म। फिर तुमने क्या बोला? ये जो प्यार है ना, ये पुराने हीरो जैसा है। फॉर एग्जाम्पल सिंह, प्यार का हर मोमेंट जीने के लिए होता है, वरना अगर मिस कर दिया ना तो बस यादों के साथ बैठे रहो पूरी जिंदगी। मेरी जानकारी के मुताबिक तुम एक ही हो जो प्यार को पागल जैसा सपोर्ट करते हो। प्यार है ना, ये भगवान के जरिए सृष्टि में रचा गया है। हर किसी को अपनी जिंदगी में प्यार का सहारा जरूरी है। ये जो प्यार है ना, वो एक्सीडेंट जोन जैसा है। उस जर्नी में मौत और दुख यही ज्यादा है। इस प्यार को ना अमृत समझ के पी लेना चाहिए हम लोगों को। इतने दिनों से तुम मुझे लव फीलिंग से देख रहे थे ना, मुझे लगा था एक अच्छा दोस्त मिला था। मैं गर्व और फक्र से जी रही थी, और तुम छी। ये जो प्यार वाला शब्द जब दिल में बैठ जाता है ना, तो तुम्हारी नसों में खून दौड़ने लगता है, रोमांच आ जाता है जिंदगी में। तुम कहां बेवजह बातों में पड़ी। प्यार ही प्रेम है और दोस्ती ही प्रेम है। ये जो दोस्ती है ना, ये सिर्फ प्यार की वजह से, और इस दोस्ती को अपने दिल के करीब रखना ही मेरी आदत है। प्यार नहीं मिला तो जिंदगी पत्थर बन जाती है। यह प्यार प्रेम सदा के लिए नहीं है, नहीं चाहिए। प्यार का कभी अंत नहीं होता। जब लोगों के अंदर प्यार होता है ना, तो अद्भुत लेखक बन जाते हैं, अपने प्यार को ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं जिंदगी में। क्या बात है, कवि बन गए हो।
कवि अक्षरों को तोड़ मरोड़ के कविता लिखता है और प्रेमी एक एक शब्द को अपने प्यार से जिंदा कर देता है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम एक बार हाँ बोलो, मैं अपने दिल में तुम्हें महारानी की तरह पूरी जिंदगी प्यार करता रहूंगा। मेरे घर में तुम्हें बड़ा नेक इंसान समझ के रखे हैं। समझ लो। क्या बात है बेटी, जल्दी तैयार हो गई? फ्रेंड आ रहे हैं ना आंटी, ऐसा क्या? हो क्या क्या? मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, सब समझते हो। मेरे बर्थडे में सरप्राइजली विश करोगे? गेट पे मैं पूरे एक घंटे तक खड़ी रही, ऐसा कहाँ चले गए? वैसे मुझे मेरा ही जन्मदिन याद नहीं रहता कब आता है, तुम्हारा जन्मदिन कैसे याद रखूंगा मैं? इसलिए मैं हर दिन भगवान को प्रसन्न करता हूँ, दिन रात उनकी पूजा करता हूँ। अब एक ना एक दिन तो मेरा जन्मदिन होगा। अच्छा, वो पॉलिसी भी है तुम्हारे अंदर? एटलीस्ट भूल गया हूँ, सॉरी ऐसा बोलकर ट्रीट दोगे, ये भी सोच रही थी। पूरी तरह से बेवकूफ हो तुम। इस तरीके के मामले में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब हम तुम्हारा बर्थडे दोपहर में बहुत बड़ा सेलिब्रेट करेंगे, समझ गई? नहीं नहीं, कल हमारे घर में सिंपली सेलिब्रेट करने का प्लान है। भूले बिना मेरे गांव आकर मुझे विश करो, माँ ने बोला है तुम्हें आने। मतलब अब तुम्हारे गाँव आना पड़ेगा? डरो मत, लव की बात बोलकर मुझे बहुत सता रहा है, ऐसा घर में बोल के तुम्हें पिटवाऊंगी नहीं। लेकिन जो ड्रेस मैं गिफ्ट दूंगा उसे ही पहनोगी? ओके। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। अरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया कि उसको हाथ में दे दिया? रहने दीजिए माँ, छोड़िए। बर्थडे के दिन में बेइज्जती, केक खा लो, लो। मास्टर जी दीदी को बहुत अच्छा गिफ्ट प्रेजेंट किया और मेरी तरफ से उसके लिए। बेटे थोड़ा लेट हो गया, आज दुकान में बहुत ग्राहक लोग आए थे, इस वजह से जल्दी नहीं आ पाए बेटी। जीती रहो बेटी। पापा मेरा बेस्ट फ्रेंड धवन। तुम्हारी माँ की बात सुनने के बाद ना दिल में एक अलग सा फील आने लगा है तुम्हारे लिए। एक बात समझ में आ गई, तुमसे जो मैं प्यार करने की सोच रहा हूँ अब तो बिल्कुल भी पीछे हटने का मन नहीं हो, अब तो प्यार में कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ जाने का मन कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जिंदगी को चीरने वाली बिजली हूँ मैं, काला बिजली, मान लो ना प्लीज। क्या बोलूं, किसे छोड़ूं मैं? शिकार होने के बाद चिड़िया जो तड़प के आवाज लगाती है ना, वही आवाज में सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा। क्या बोलूं, किसे छोड़ूं मैं? जब शिकारी शिकार करता है उस चिड़िया में जितना भी दर्द होता है वो तुम्हारा ही नाम पुकारेगी, तुम्हारा नाम, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही, तुम्हारा नाम ही उसकी जान है, उसकी जान है सिर्फ तुम्हारा। तुम्हारी पुकार को लेकर होने वाले दर्द से मुझे बहुत दर्द सताती है, तुझे मार डालने के उस डर की वजह से, मेरे अंदर उस डर की वजह सिर्फ तुम। बस इतना सा प्यार दिखा दो काफी है, उसी प्यार से ना मैं स्नान कर लूंगा और हमेशा के लिए पवित्र हो जाऊंगा मैं उस स्नान को करने बस, के बस करो। पोस्ट ऑफिस में लेटर देते वक्त वाटर स्पंज के लिए उंगली का इस्तेमाल करते हैं, या फिर पैसा गिनते वक्त लोग उंगली को गीला कर लेते हैं, उतना भी नहीं दे सकती। इतने बड़े बड़े मुनि हजारों साल तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी एक नजर को तरस रहे हैं। इतने बड़े बड़े मुनि हजारों साल तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी एक नजर को तरस रहे। हे सुंदरी भारत की नारी, मेरे इस प्यार के फॉर्म को कृपया भर दीजिए ना। जब मैंने तुम्हारे प्यार के फॉर्म को रिसीव ही नहीं किया तो तुमने फॉर्म भरा कब? पारी, हाँ। इस प्यार को छोड़ो, तुम्हारी याद ही काफी है मेरे इस दिल के लिए।
तुम्हें देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो छोड़ो। तुम्हारे प्यार के बिना किसी और लड़की को मैं अपनी पूरी जिंदगी देखूंगा नहीं, वरना मेरा नाम बदल देना, वरना प्यार में मर जाऊं। वाह, कितना सुंदर दिख रही है यार, एकदम मस्त फिगर है। ए, ये गाड़ी मेरी है। और जिस तरह से ये लड़की अभी इस गाड़ी पर बैठी थी, तो ये ब्यूटीफुल लड़की भी मेरी हुई ना। ए, माइंड योर लैंग्वेज। अरे वैसे भी तूने तो टेस्ट कर लिया ना, चल छोड़ अब। कितना सुंदर दिख रहे हैं यार, मस्त है ये। अगर दमे तो छू कर दिया। सर, आज लवर्स डे है सर, प्यार का पाठ सिखाओ ना। क्या बात है नारायणा, लेक्चरर को मिसगाइड करते हो। सर एक फंक्शन कर देंगे क्या सर? फंक्शन? अरे नेशनल फेस्टिवल रेंज में नहीं है ये। सर आज की सिचुएशन में यंगस्टर्स के लिए लवर्स डे इंपॉर्टेंट है सर। सही बोल रहा है। आइए, किस किस को कौन सा प्रोग्राम देना है दीजिए। जितना शरीर में सांस जरूरी है, उतना ही जिंदगी में प्यार जरूरी है। भारत के कवि तानसेन बोलते हैं, भारत में होने वाला हर एक विवाह प्रेम विवाह होना चाहिए। बहुत अच्छा। प्रेम जाति धर्म देखकर नहीं किया जाता। क्या बात है, क्या बात है। फ्रेंड्स, मैं आगे सिर्फ इतना ही कहूंगा, प्यार दुनिया में आगे बढ़ना चाहिए। प्यार जिंदगी में मरने के लिए नहीं होता, प्यार जिंदगी को जीना सिखाता है। ये भी ना एकदम अलग किस्म की बात करता है भगवान। जिस दिन भी प्यार हो उस दिन प्यार कर लो, और प्यार को मिटाने वाले लोगों का अंत एक दिन जरूर हो जाएगा। बहुत अच्छे। अभी एक काम करते हैं, मैं आप सबको एक गाना सुनाता हूँ, लेकिन ये गाना किसने गाया है, किसने लिखा है, ये सब मैं नहीं जानता। ಒಲವಿನಂತರಾಳದ ಬೇಗೆ ಹೇಗೆ ನೀಗಲಿ ಜೀವವು ಬಳಲಿದೆ ಇಂದು ನಿನ್ನ ನೋಡದೆ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಸೇ
सूरज का फूल खिलते वक्त सूरज की किरणों को देखकर खुश हो जाने जैसा इस बीएड की पढ़ाई करने वालों के दिमाग ज्यादा है। मैसूर में रहने वाली लड़की बोले तो दिल को बहुत पसंद आ जाती है। वैसे किसको प्यार करूं किसको छोड़ूं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वजह से तुम क्यों बेकार में चिंता करते हो? मांग्या ऐसा बोल के कोई पास आकर हाथ रखे थोड़ा हिम्मत दे दिया तो मैसूर के गाजर फूल को खोलकर अंदर के मोती को मैं निकाल ही दूंगा यार। अरे नारायण, तुम्हारी बातों को सुनकर भगवान भी खुश हो जाएगा, दिल को छू लिया। हम अच्छे से पढ़ लिख के जीवन में सेट हो जाएंगे तो जिसने हमें जन्म दिया वो कितने खुश होंगे ना। लड़के इस प्यार के नाम को लेके ना अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेते हैं। और प्यार में जीतना ऐसा है कि जैसे सीधा तीर निशाने पर लगाओ। प्यार में धोखा खा जाने के बाद ना इतिहास उठाकर देख लो तुम, कितने लड़के तुम्हें बर्बाद होते हुए दिख जाएंगे। मैं अपने शरीर को भूल जाऊंगा लेकिन नहीं भूलूंगा फूल तुझे, क्योंकि फूलों से बना है ये मेरा पूरा शरीर। मैं शरीर तुझे भूल जाऊंगा लेकिन नहीं भूलूंगा तो तुझे, चाहे मेरे शरीर से जान निकल जाए। दिल की बात समझ में आती है? अगर मैं तुम्हें अपने दिल से कहीं बाहर निकाल कर रख दूं ना तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा तुम्हारे बिना। वैसे स्वामी जी, तुम्हारे दिल में रहने वाली वो लड़की असाइनमेंट कब लिखने वाली है? खाना, नाश्ता, कब नींद लोगे? थोड़ा तो दया दिखाकर उसे भी बाहर छोड़ दो, बेचारी उसे भी तो क्लास अटेंड करना है ना। छोड़ो भारी, बस तुम मुझे सताती हो, ये सब छोड़ो, लव करो। अबे बेवकूफ हो क्या, मैं नहीं सता रही हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी मैं खाना तक नहीं। देखो अगर तुमने ऐसा ही किया ना तो मैं कॉलेज छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, गांव भी नहीं जाऊंगी, किसी के घर भी नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं, तब चैन मिलेगा ना तुझे? मरने के बाद भी चैन नहीं है, तुम जैसों की दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। वो किसी भी कीमत पे मुझसे प्यार नहीं करेगी। उसमें ऊपर ऊपर से अच्छा दिख रहा हूँ यार, अंदर से मेरा दिल सिर्फ उसी को पुकार रहा है, वो रो रहा है मेरा दिल। लगता है मैं उसके बिना मर जाऊंगा यार। मैं दवन हूँ। मास्टर जी, आप अच्छे हो? आप तो हमें भूल ही गए हो। आप सब बड़े हैं, ठीक है, छोड़िए, भूल भी जाइए। दीदी किधर है, फोन दीजिए। अरे फोन दीजिए दीदी को। क्या बात है मास्टर, अकेले हैं क्या? देखो फिर कितना घमंड हो गया है उसको, एक हफ्ता हो गया उसको फोन करके। मैडम बन गई है ना, अब हम किस लिए?
गांव जाती ऐसा बोलकर आई थी। ऐसा क्या? तो फिर अभी भी नहीं आई? गांव भी नहीं जाऊंगी, किसी के घर भी नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं तब चैन मिलेगा ना तुझे? मरने के बाद भी चैन नहीं है, तुम जैसों की दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। मास्टर क्या हुआ, सब ठीक है? मैडम जी को फोन करने को बोलना, ठीक है ना? हे, वो पार्टी ठीक नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, पागल हो जाता है। मास्टर जी सॉरी, दीदी बगल में बैठी है, बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। दीदी बीएड की पढ़ाई पूरी करके गांव आ गई है, बस आप हाथ मुंह बांध के जैसा बोलते हैं वैसा कीजिए। अत्थर भी मेरी कहानी सुन के अपने आंसू निकाल देंगे, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा मेरी प्यारी पारी। सूर्य इस पार्टी को मिस करते हैं। अरे उसे भी पार्टी में होना चाहिए था। सही बोल रहा। अरे शिबू, उस मीना से जरा बाहर आ जाओ भाई। पहले क्लास अटेंड करो प्यार के मजनू, शाम तक इधर ही हूँ, किधर भी जाकर मरने वाली नहीं हूँ मैं। ये सब प्यार व्यार मैंने छोड़ दिया, ओनली फ्रेंडशिप। गुड, अक्कल तो आई, चलती हूँ। हीरो आ गया। हे हिरण्यकश्यप, हाय। इस तरफ भी आओ, नजर घुमाओ। हाँ आ गया हूँ। हाय। हाय। This is my मम्मी। हाँ। ऐसा है क्या? तुम्हें मैं क्या बुलाऊँ? तो रमा मेरे लिए बड़ी दीदी की तरह है, और तुम इनकी बेटी हो। मैं एक बात बोलूँ, तुम शादी मत करना। चाहे कितना भी अच्छा मिले कोई, मैं तो नहीं शादी करने वाला। तथास्तु। मुझसे शादी करो फिर दिखाती हूँ, इसके साथ जीना ही मुश्किल है, ऐसा इंसान लेकर भाग जाना चाहिए। वैसे तुझे सता सता कर भगा दूंगी, समझ लेना। सब तुम्हारी नजर लग गई है मुझे। उस अंबुजन के साथ जैसे दिल खोलकर बात करते हो, वैसे ही मुझसे बात करने में तुम्हें क्या हो जाता है? अरे बाप रे, मैं कैसे भूल सकता हूँ, असाइनमेंट को लिखना भूल गया, मैं चलता हूँ। अरे झूठे, तुम्हारे इस तरह की नौटंकी के बारे में ना पूरा कॉलेज जानता है। तो तुम्हारे हॉस्टल तक ऐसी बात करते करते जाए। प्लीज प्लीज चलो ना, प्लीज। ठीक है चलो। जहाँ कहीं भी देखो तुम ही दिखाई दे रही हो। हेलो बरखुदार, तुम्हारे उस प्यार की आशा को पूरा निराशा में बदल के बोरिया बिस्तर बांध के फेंक दिए हो ना। अरे धूप के मौसम में पूरे पेड़ पौधे सूखे सूखे रह जाते हैं, ज्यादा धूप की वजह से जल के राख हो जाते हैं, मोस्टली उस जगह में एक तिनका तक नहीं होता है, ऐसा हम सोच लेते हैं, और हम पता नहीं उसमें खाद डालते हैं, दवाइयां डालते हैं और क्या क्या डालते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। और जैसे ही थोड़ी सी बारिश हुई ना,
तो बंजर जमीन पे भी ना बारिश की बूंद डलते ही ना रातों रात एक बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हो जाते हैं और खूबसूरती के साथ फसल लहराने लगती है और उस फसल का आनंद हम लोग ऐसे ही हाथ उठा कर लेते हैं। एक बात बोलूं, मेरा दिल भी उस बंजर जमीन की तरह है जो एक पानी की बूंद के। अरे बस बस, कुछ भी होने दो, सर बहुत दर्द हो रहा है लेकिन तुम्हारी बातें सुनने में अच्छा लग रहा है। क्या हो गया भाई? अरे अरे ये छोड़ क्या अंदर लग गया डाले से छोड़ इसको रख रहे हैं। प्राउड ऑफ यू दोस्त, तुम उन लोगों को मारकर वापस लौटाओगे ऐसा पता था, इसलिए ना पुलिस को ना ही अपने दोस्तों को किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। वैसे मैंने अच्छा ही किया ना यार, बेवजह इस मामले को ज्यादा खींचना सही नहीं है, मैंने खत्म कर दिया सब। कुछ भी हो यार, तुम बचकर आ गए, मेरे लिए इतना काफी है। ट्रेनिंग कैसे चल रही है? जब पैसे की बात आती है तब इसको याद आता है। वैसे कुछ भी बोलो, तुम हो ना इसके साथ, इसीलिए हम लोग चिंता नहीं करते, अब हम लोग भूल ही गए हैं। बहुत जल्दी टीचर के काम को तुम्हें संभाल लेना चाहिए, मुझे थोड़ा काम है, अब मैं चलता हूँ।
मेरे पिताजी तुम पे कितना भरोसा करते हैं ना, बोले कि अगर मैं नहीं भी रहा तो तुम संभाल लोगे। जितना तुम्हारे घर वाले सोच रहे ना मेरे बारे में उतना अच्छा। अब फिर पागल कहेंगे, तू मेरी जिंदगी है। कुछ भी हो यार, उन दिनों को हम भूल नहीं सकते। क्या दिन थे यार, लाइफ में मजे ही मजे थे, नहीं एकदम फुल। हाँ यार। सिबू, मीनाक्षी को अभी भी अपने दिल में रखकर उसकी पूजा करते हो क्या? क्या है यार, फिर भी वो तुम्हारे प्यार को समझी नहीं, कास्ट को लेकर छोड़ दिया ना तुझे। अरे छोड़ यार, ये मेरी किस्मत है, वो क्या कर सकती है। अरे उसे डांट कर अकल सिखाता हूँ, रुको। शिव जैसे एक अमर प्रेमी को मिस किया बोले तो तुम अपनी जिंदगी को खुद बिगाड़ लेती हो, ऐसा समझा कर उसको बोलता हूँ। ठीक है यार, चल सिबू, टाइम हो गया, चलता हूँ। चल मिलते हैं, ध्यान रख अपना। बाय, टेक केयर। लग रहा है यार तू, मतलब तेरी कहानी तो बिल्कुल सच हो गई यार, जो तू हमेशा चाहता था। यार तुझे तो हमेशा मैंने अकेला ही देखा अपनी यादों के साथ, और आज तुझे देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, तुझे बता नहीं सकता। Hey, why not? Means, लवन है ये, मेरा दोस्त। He's a crazy lover boy. Hi. Hi. हाथ बढ़ाओ। अबे ये सपना नहीं, रियल है सिस्टर। यार जो तपस्या थी वो आखिरकार सच हो गई यार। खुश होकर ये गिरने वाली बारिश, इसकी एक एक बूंद सीधा मेरे दिल के अंदर स्वर्ग की सीढ़ियां बना रही है, जिन पे चलकर तुम धीरे धीरे सीधा मेरे दिल के अंदर आ रही हो, और तुम ऐसे चल चल कर मेरे दिल के कोने में देख रही हो, सिर्फ तुम ही नजर आ रही हो चारों तरफ। मेरे दिल के कोने कोने से आवाज आ रही है कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, मरते दम तक हम पूरी जिंदगी एक साथ ऐसे ही जीवन भर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्यार ही हमारे बीच रहने वाला अंतर है, होशियार, फिसल के गिर मत जाना, इसे तो खुद ब्रह्मा ने सृष्टि किया है गंधर्व लोक से। अरे दिल में प्यार की भावना ज्यादा उठ रही है, एक बार तुम अपने दिल में झांक कर देखो, देखना तुम्हारे दिल के अंदर भी ना सिर्फ मैं ही हूँगा, तुम एक बार देख लो, आज अजमा लेते हैं। अरे बाप रे, तुम्हारे अरमानों पर क्यों पानी फेरना, यह सोचकर मेरे दिल से पूछने की नौबत आई ही क्यों? अपने हृदय में गंभीरता से चुपचाप बैठने वाली को जगा के उठाकर क्यों रे? उस सोने जैसे लड़के से प्यार करती हो क्या? ऐसा स्ट्रिक्टली मैंने पूछा, उसे लेकर उसने क्या बोला पता है? क्यों यार,
तुझे करने के लिए और कोई काम नहीं है क्या? ऐसा गुस्सा करके मेरे दिमाग को क्यों खा रही है? तुम यहाँ किस लिए आई हो और क्या काम कर रही हो? मेरे फादर को पता चला ना तो बस हो गया मेरा। इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई पे ध्यान दो ना, तुम क्यों बिगड़ रही हो? जगह खाली नहीं किया तो समझो ऐसा झाड़ू को हाथ में उठा लिया है। सच में अपने जीवन को बचाने के लिए, पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए यहाँ भाग के आ गई। सर बहुत दर्द हो रहा है, खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है, कल बात करते हैं, बाय। आरती, भारती, जयंती, कोई भी तुम्हारी टक्कर की नहीं है पारी। तुम अद्भुत हो पारी, अद्भुत आर्टिस्ट हो। यार इतना सब कुछ करने के बाद भी ना उसके दिल में एक प्यार का नमूना भी नहीं दिख रहा है। दोस्त, अगर हमारी किस्मत में लिखा हो तो हमें जरूर मिलेगा। तुम अपनी उम्मीद को क्यों छोड़ रहे हो? आज नहीं तो कल तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिलेगा। हाँ। ये सब क्या है? प्यार से इसे एक्सेप्ट कर लो यार। दिल की बातों को अपने लफ्ज पे लाए बिना मैंने सब अक्षरों को इस पत्र में लिख दिया है। अपने दिल की बातों को लफ्ज पे लाए बिना अपने प्यार को मैंने अक्षरों में लिख दिया है, यहां प्रेम पत्र में। प्यार से प्यार कर लो देवी, अपने दिल की बातों को लफ्ज पे लाए बिना बस प्यार का इजहार कर दो, जो होगा सब अच्छा ही होगा। एक बार तुम प्यार करके तो देखो कितनी खुशी है, प्यार के अंदर कितना आनंद है, सब कुछ अच्छा ही होगा। No chance. याद रखना एक दिन तुम मेरे प्यार के खातिर रोते रोते मेरे पास आओगी और मुझसे कहोगी कि तुम मेरे हो जाओ हमेशा के लिए, और मैं जब तुम्हें देखूंगा तो तुम कुछ कह नहीं पाओगी अपनी जबान से, क्योंकि प्यार की कुछ शब्द ही नहीं होता, सीधा दिल से आवाज आती है प्यार की, उसे सिर्फ महसूस किया जाता है जैसे हम भगवान को करते हैं। ये शिवरात्रि का मौसम है, तुम्हारा चांद जैसा चेहरा मेरे पास होकर भी मेरा दिल कितना खाली है, चंद्रमा को मैं क्या जवाब दूं? अगर तुम चाहो तो मैं पूरी रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, ये मेरे अरमान है। कल तुम मुझे किस करोगी? ये मेरे दिल से आवाज आई है कि तुम मुझे किस करोगी, और वो कभी झूठी नहीं होती। प्यार पर भरोसा करने वालों की कभी हार नहीं होती। महाप्रभु। एक बात बोलूं, फाइनल चैप्टर का टाइम आ गया है। ये देख पारी के लिए। अरे अभी क्यों, कल तो टाइम आएगा ही आएगा, अभी के लिए फिलहाल बीएड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर शादी भी कर लेंगे, है ना? पर पारी मारेगी क्या? दिमाग खराब हो गया है? और इस बीच में तुम्हारा दिल नहीं बदला तो? इस जन्म में पूरा नहीं होने वाला तुम्हारा ये सपना, वापस चले जाओ। मुझे जरा सा भी समय दिए बिना सब कुछ तैयारी कर कर बुलाए हो? तुम मानो या मत मानो, अबे जंगली, इस तरह का पागलपन मेरे सामने मत दिखा। तुम्हें मुंह लगाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती है। तुम मानो या मत मानो, मैंने अपने दिल से फैसला ले लिया है कि तुम मेरी बीवी, तुम्हें छोड़कर कोई और लड़की मुझे नहीं चाहिए। तुझे साक्षी मानकर मैं तेरी आंखों के सामने इस धागे को अबे बेवकूफ,
तुमसे पागलपति और कौन मिलेगा? तुम्हारे ऊपर प्यार नहीं रहता तो जहाँ तुम बुलाते वहाँ मैं कैसे आ जाती? भविष्य के बारे में जानकर भी, तुम्हारे साथ होकर भी अंदर ही अंदर तड़प रही हूँ। हे भगवान, तुम मुझे कोई भी सजा दो लेकिन मेरे प्यार के अंदर को बोलने के लिए मजबूर मत करो। अरे मैं शांत हो गई बरखुदार। बहुत अच्छी जोड़ी है। तुम बहुत मासूम हो मेरे दोस्त, मेरे यार। अरे तुम मासूम नहीं, दीवाने के नाम पे परवाने हो। यार क्या करूं, उसके प्यार की भावना मेरी आत्मा में जाके बस गई है। मर के भी क्या ही हो जाएगा यार। परीक्षा भी नजदीक आ रही है, तुमने जो भी पढ़ा वो बोलो, मैं सुन लेती हूँ। ओके, बस इतना ही। बस ये हो गया, ठीक है ना? वैसे 5 में से 2 सब्जेक्ट हो गया है, अब जो बचा है वो बस 3, है ना? यार ये सब पूरी रात पढ़ के मैंने तैयार किया है, अपना इंटरेस्ट है ना, बॉडी में एनर्जी बची है यार। अरे मैं सोच रही थी तुम्हारे लव के बारे में परी दीदी को बता दूं, लेकिन फिर सोचा कि उनको बता के मूड ही खराब होगा, फिर क्या फायदा। ऐसा ही क्या, तुम्हारी बहन भी जानती है क्या? यस दीदी, तुम्हारे उस दोस्त को दिल से मामा बोलकर बुलाने के लिए ऐसा दिल करता है, प्लीज लव करो यार। अरे रात का खाना, सुबह का नाश्ता, सब कुछ कैंसिल, अब बहुत खुशी हो रही है यार, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एंजॉय करो। रुको यार स्वामी, सपना मत देखो, अभी इस बड़े साहब का दिमाग चलेगा नहीं, कौन जाने। बाकी बचे हुए सब्जी को पढ़ के आना, नहीं तो मार खिलाऊंगी, इतना ही। ठीक है दोस्त, सबसे बात करके भेज देने के बाद रूम में मिलेंगे। ठीक है भाई, सब थैंक यू, बाय। ए सुन, केमिस्ट्री क्लास के बारे में तुमको मालूम है? भाई हिरण कश्यप को आगे, हाँ के बाद में लग्न पत्रिका को भेजती हूँ, तुम्हारे 1 महीने की पगार को ले जाकर मुझे प्रेजेंटेशन देकर पेट भर के खाना खा कर जाना, ठीक है ना यार? खत लिखते रहना, बाय बाय।
सब लोग नींद में सपना देख रहे हैं, बोले तो प्यार की फीलिंग किसी में है ही नहीं। इस फीलिंग की कोई कीमत ही नहीं है यार। क्यों नहीं, मेरी जिंदगी की जीत है तू यार। हम लड़कियों को चाहे कुछ भी हो जाने दो, हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा दिल के अंदर ही दफना के रख देते हैं। तुम लड़के भी मेरे प्यार को प्रूफ करने के लिए तुम्हारी यादें काफी हैं। अबे पागल, मेरे लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करके मत रहना। कितनी बुरी लड़की हूँ ना मैं, देखो ना तुम्हारे प्यार को समझ भी नहीं पाए, ऐसे बुरी लड़की के लिए पागल बन गए हो ना तुम। मैं तुम्हें जंगली बोलती हूँ, बेवकूफ बोली हूँ, फिर भी तुमने गलत नहीं समझा। तुमने तो मेरे दिल को छू लिया, मेरे यार तो दिल टूट टूट के चूर हो रहा है। दिल का दर्द तो तुझे है, लेकिन दावा मुझे चाहिए। तुम्हारे ये आंसू तुम्हारी दिल की आवाज बनकर तुम्हारी आंखों से बाहर निकल रहे हैं। मुझे भूलकर किसी और लड़की से शादी करोगे, वादा करो, वादा करो तुम मुझसे, जुबान दो। ये लो भाई, तुम्हारे इस दोस्त को संभाल के तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। मेरे बारे में इसने तुमसे जो भी कहा है मैं सब जानती हूँ, पर मुझे गलत मत समझो, इसे कैसे भी बिगड़ जाने दो, नेगलेक्ट करके ऐसे ही छोड़ दो, ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। ये बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, अब तुम्ही इसे अच्छे से अकल सिखा कर रखोगे। बारी, डोंट वरी, मेरा दोस्त ठीक हो जाएगा, तुम अपने सफर के बारे में सोचो। चलती हूँ, बाय धवन। बचकंडे, मेरी तकलीफ मुझे, तुम लोग बार बार आ जाते हो, आज तुम्हारे साथ सिर्फ तांडव खेल ही लेता हूं।
हेलो, देखो यार ये आखिरी बार है, आगे से फोन मत करो, दिल को बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ भी बोलो, तुम बहुत बुरी हो दीदी। इतना गुस्से से नहीं बोलना चाहिए था। गाना अच्छा है क्या बेटा? दावना ले लो बेटा, कल ही पोस्टमैन लाकर दिया था, मैं देना भूल गई। मास्टर जी आप जल्दी निकल कर आ जाइए, शादी के बारे में दीदी ने आपको कुछ बोला नहीं है, आपसे छुपा के रखा हुआ था, कुछ भी हो जाए आप जल्द से जल्द आ जाइए, आपकी पारी। अरे आज ही शादी है। तुमको क्या हुआ दवन? हे भगवान क्या हो रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं? दवन वो देख, अभी आने के लिए हुआ क्या? आ जाओ, दूल्हा दुल्हन का स्वागत करो। आ जाओ इधर, शादी हो जाने के बाद आए हो, पहले ही आकर सहायता करके बोझ को कम करोगे ऐसा सोचा तो अब क्या है मास्टर जी, ऐसा कर दिए हो ना, इतनी देर से आने का क्या मतलब, बेस्ट फ्रेंड ऐसे ही बोलते हो, फोटो निकाल लो। याद की बेस्ट फ्रेंड है ये। आप कितने बदकिस्मत हो मास्टर जी, आपको दीदी नहीं बल्कि उसकी शादी का खाना भी नहीं खा पा रहे हो आप। ವರುಷಗಳುರುಳಿದರು ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ
नहीं होना चाहिए, उसे टुकड़े टुकड़े में काट के कुत्ते भेड़ियों को खिला देंगे। निकलो, चलो। हेलो, की आत्मा को शांति मिले, हम लोग आंख बंद करके मौन रहेंगे। धवन की आत्मा को शांति मिले। हम सबका खास दोस्त धवन हम सबको छोड़कर बहुत दूर, बहुत बहुत दूर चला गया। धवन के साथ ऐसा कुछ होगा हम में से किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जातम, तुम मुझसे प्यार करती हो ऐसा कभी मुझे बोला नहीं, बट एक ना एक दिन मेरे प्यार को लेकर तुम्हारे दिल में जगह बनाकर तुम्हारे दिल में बैठने के लिए सिंहासन दोगी, ऐसी ख्वाहिश थी। लेकिन जब मैं तुम्हारे गले में मंगलसूत्र को देखा तभी मेरे दिल का महल चूर चूर होकर मिट्टी में मिल गया। प्यार में हार कर मर जाने वाला बदकिस्मत नहीं हूँ मैं, लेकिन बिना तुम्हारे प्यार के जिंदा रहना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। जो प्यार को जीत नहीं सकता वैसी जिंदगी जीने के लायक नहीं हूँ मैं। इस तरह के निराश जिंदगी को जीने के लिए मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है पारी। मेरा दिल दुखी हो जाने की वजह से मैं मर रहा हूँ, ऐसा शिवू बोला भी होगा तुम्हें। आगे के जन्म में मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन इस जन्म में तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं है। तुम्हारा अपना बदकिस्मत वाला दबन। ಪತ್ರದ
ಹಂಸಾ ಖಂಡಗಳು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಾಜಪಿಸಿ ಕರಗಿದರು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಾಜಪಿಸಿದೆ ನೋಡ दबन बहुत मासूम लड़का है। मेरे व्यक्तित्व के ऊपर कोई कलंक नहीं आया, इसलिए उसने अपनी मौत की वजह बीपी है ऐसा झूठ बोला। दबन ने आत्महत्या कर ली है। ए दोस्त, क्या हुआ यार तुझे? बारी ने आखिरकार मुझे भूल के किसी और से शादी कर ली। मैं उसके बिना नहीं जी सकता यार। अपने आप को संभालो मेरे दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। सुन दोस्त, मैं उसके बिना नहीं जी सकता, तू समझ मेरी बात को। दोस्त क्या बोल रहे हो तुम यार? मैंने जहर को पी लिया। सुन चल, अरे चल चल चल, चल मैं हॉस्पिटल चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सुन सुन, कोई है भाई? मेरी मौत की वजह लो बीपी है, कॉलेज में सबको यही बता रहे। भाई तू मेरी बात सुन, अरे तू मेरी बात मान, प्लीज प्लीज देख मेरे दोस्त। ये ले इस लेटर को पारी को दे। अरे यार दोस्त, मुझे सब सच पता चल जाएगा। नहीं तो तू मेरी बात सुन, क्या कर रहा है यार? सुन सुन दोस्त, दोस्त मेरे दोस्त, दोस्त दोस्त दोस्त, हम सबको छोड़कर जाने का कैसे दिल किया रे? पर वो आत्महत्या नहीं है, कत्ल है, और वो खूनी मैं हूँ। अरे वो ऐसा क्यों कर रही? प्यार मत करो, प्यार मत करो, हमारी शादी नहीं होने वाली। मैंने उससे बार बार ऐसा बोला, मेरी बात को वो सुना नहीं। मैंने दबन को हद से ज्यादा प्यार किया, लेकिन बाहर किसी को पता ना चले, इसलिए दिल ही दिल में उसे छुपा के रख लिया। इस प्यार के मामले में मेरे पिताजी कितना क्रूर हो जाते, इस बात को सिर्फ मैं जानती हूँ। ऊपर से उन्होंने मुझ पर जो भरोसा रखा था, मेरे माँ बाप के उस भरोसे को तोड़ने के लिए मेरा दिल नहीं कहा। पिताजी पिताजी नहीं, पिताजी ये कोई लवारिस दिख रहा है, इसके साथ मिलकर नौटंकी कर रही हो तुम। तुझे पैदा करके परवरिश करके पास पोस के तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करके, कितना कुछ सपने को देख रहा था मैं, मेरा सपने मिट्टी मिला दिया। गिराओ घास से इस पे। नहीं नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, ऐसा मत करो पिताजी। ए मर जा, ये जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरा पति भी इस बात को जानता है, एग्जाम्स के बाद मेरी शादी हो गई, मैंने आप में से किसी को नहीं बताया। दबन को पता चला तो वो आ जाएगा, ये मैं जानती थी। उसकी तकलीफ को मैं नहीं देख सकती थी इस वजह से, लेकिन मेरी बहन के बोलने की वजह से दबन शादी में आ गया था। Thank you.
लवन हार को लेकर मर जाने वाला नहीं है, ऐसा मैं सोच रही थी। लवन जी के दिल लवन ने जिस बात को बोला था वो आप लोगों को याद है, ऐसा मैं सोच रही हूँ। जिस दिन प्यार होता है उसी दिन प्यार कर लो, तभी उस प्यार का मतलब होता है। आज मैं इस बात का एहसास कर रहा हूँ बेटी। धवन ने जिस बात को बोला है वो सच है, लड़का लड़की चाहे किसी भी धर्म किसी भी मजहब के हो, प्यार अमर होता है और प्यार की कोई भाषा नहीं है, बस इतना है। क्या बात है भाई, उठाकर ले जाकर मंगलसूत्र पहनाने के बजाय आत्महत्या कर लिया। डरपोक है साला। अगर इस मासूम को हम सब ने मिलकर मार दिया होता ना तो सारा पाप हम पर लग जाता। ये तो सच है भाई।